बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? तो शुरू करती हूँ मैं। आज मैं क्या पका रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू। तो ये देख रही हैं, बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। ये मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने रगड़ी है बैठकर। फेंक तो सकते नहीं है, ज़ाहिर है इतनी अच्छी सी है होती है, इतनी मज़बूत है ये। बस ये जो काली हो जाती है ना, वो बहुत बुरी लगने लगती है। खैर कोशिश करी उन लोगों ने और काफ़ी कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश रही। तो आज मैं बनाऊंगी, बातों बातों में मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया। मसाले वाले आलू जो झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के भी बनते हैं, तो मैंने तेल डाल दिया। तेल गरम कर लेते हैं और यकीन करें मैंने स्टैंड पे रख दिया अपना मोबाइल मेरा स्टैंड पे, और इतनी सहूलत मुझे लग रही है ना, देखें बिल्कुल भी नहीं हिल रहा और बिल्कुल फोकस भी हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आलू को मैंने इस शेप में काट लिया है और इस तेल में जो गरम हो रहा था इसमें मैं ये डाल दूंगी और खूब अच्छे तरीके से इसे मैं ऊपर नीचे करके मिक्स कर लूंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। मैं भी पूरी वीडियो एंड तक देखती हूँ, सबकी मसरूफ़ होती हूँ तो मैं लगा के छोड़ देती हूँ और कमेंट ज़रूर देख लेती हूँ, देती हूँ कि क्या किस टॉपिक पे उन लोगों की वीडियोस होती हैं, तो मैं ज़रूर कमेंट छोड़ देती हूँ। लेकिन वीडियो पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं एंड तक देखूँ और एंड तक ही देखनी चाहिए। आज मौसम बहुत बेहतर है, सर्दी ज़रा कम हुई है, सुबह बहुत थी लेकिन इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हो रही। इसको हम इतना तल लेंगे, बिल्कुल आलू के चिप्स की तरह इसको जैसे गला लेंगे। सही, मसाले भी इसमें बहुत कम पड़ते हैं। अमल आप दरवाज़ा बंद कर दें, बच्चे ही होते हैं और ये अमल आ जाती है खामोशी से तो मैं डर भी जाती हूँ। अभी दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाज़ा कैसे खुल गया उससे। तो ये मैंने अभी इसको मैंने ढक दिया है जानबूझ के ताकि इस पर स्टीम लगे और ये अच्छे तरीके से जो है ये गल जाए आलू। इसकी ज़रा आँच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है, तो अभी ज़रा ये आलू गल जाए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। चले, उस टाइम मैंने बनाना शुरू करा था, स्टार्ट अपना मसाला डालना शुरू कर दिया लेकिन अजान हो गई थी तो मैंने स्टॉप कर दिया था। तो अब मैं अपने मसाले डालना शुरू कर रही हूँ इसमें। तो नमक, हसबे जायका और ज़ीरा, ज़ीरा थोड़ा सा डाला मैंने। मैं डाल के मिक्स करती जाऊँगी, बस अब मसाले डालने का टाइम है क्योंकि आलू मेरे अच्छे तरीके से गल गए, मेरे ज़्यादा ही गल गए क्योंकि मैं रोटी पकाने में लग गई थी। तो ये क्या, आप लोग ज़रा कम गला लें क्योंकि मुझे रोटी भी पकानी थी साथ के साथ। मिर्चे ये एक चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा और ये कुटी मिर्च एक चाय का चमचा। सही, अब ये मसाले मैंने मिला दिए, मसाले मिला के भी मैं इन्हें मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मेरे आलू ना ज़्यादा गल गए तो आप लोग इतना नहीं गलाइएगा, खड़े ही रखिएगा। मैं वैसे भी वीडियो दोबारा बना रही हूँ, पहले मैं बना चुकी हूँ। ज़्यादा गलाना चाहें ज़्यादा गला लें, अगर आपको खड़े खड़े से रखने तो वो भी सही है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये गरम मसाला है, थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला शामिल कर देंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब ये हरी मिर्चें थी, दो से तीन हरी मिर्चें, या तो चाहे तो बारीक काट के डाल दें, चाहे तो मोटा मोटा डाल दें, ऐसे ऐसे कट लगा के डाल दें, बस हमें खुशबू चाहिए इसकी हरी मिर्चों की। ये इसको भी डाल के ऐसे ही ऊपर नीचे ज़रा सा मिक्स कर लूँगी। आ रही हूँ
और जरा सा हरा धनिया, और इसको अब ढक दे। रुक जाओ, अभी बता रही हूँ, ताकि इसकी खुशबू इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।